शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना के चलते हिंगनघाट शहर में नहीं हुआ बाल गोपालों का तान्हा पोला। गली मोहल्ले के घरों में अपने लकड़ी के बैलों के साथ जाकर छोटे बच्चों ने मांगा अपने हक का बोझारा, तो कोरोना की वजह से छोटे बच्चों की खुशियाँ छीन गयी है। आज बच्चों का तान्हा पोला मतलब बाल गोपालों का खुशियों का दिन, लेकिन हिंगनघाट शहर में सभी ओर कोरोना का प्रादुर्भाव रहते इस साल उनके आनंद को भी कोरोना ने फीका कर दिया। बैल पोले के बाद दूसरे दिन तान्हा पोले का आयोजन होता है। शहर के विभिन्न प्रभागों में अनेक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा इसका आयोजन शहर में किया जाता है। विभिन्न वेशभूषा में छोटे बच्चे अपनी लकड़ी के नंदी बैल के साथ पोले में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। आयोजकों द्वारा विविध पुरस्कार के साथ चॉकलेट, बिस्किट, मिठाई का वितरण किया जाता है, लेकिन इस बार नन्हे बच्चों का कोरोना रहते छिन सा गया है। शहर में छोटे बच्चों के पोले का आयोजन कहीं भी नजर नहीं आया, लेकिन बच्चे अपने लकड़ी के बैल की घर पर ही सजावट करते दिखाई दी। बाल गोपालों ने उन्होंने अपने गली मोहल्ले में प्रतिवर्ष अनुसार पड़ोसियों के घर पर दस्तक दी और अपना जो हक का बोझारा मांगा। कोरोना प्रादुर्भाव रहते हुए भी बच्चों के उत्साह में कमी नहीं दिखाई दी, लेकिन सामूहिक तौर पर पोला उत्सव न मनाने खंत उनको सताते दिख रही थी। अनेक पालकों को बच्चे खिलौने, फुग्गे, विभिन्न वस्तु की मांग करते दिखे, लेकिन इस साल कोरोना प्रादुर्भाव के रहते फुटपाथ वाली दुकानें भी नदारद पाई गई। सभी पालक वर्ग अपने बच्चों कोरोना रहते ध्यान रखते देखे गए, तब कोरोना के चलते छोटे बच्चों का पोला भी इसकी चपेट में आते दिखा। ताना पोला भारतीय संस्कृति कोरोना से महामारी ताना पोला बैल पोळ्यानंतर या उत्सवाची सुरुवात होते, तेव्हा विदर्भासह महाराष्ट्रातही खूप चांगल्या प्रकारे हा साजरा केला जातो। पण कोरोनाचे सावट असताना ह्या ताना पोळ्यामध्ये लहान चकुल्यांचा जो उत्साह आहे कोरोना असताना कमी झाला आहे। तेव्हा काही लहान बालकांना विचारूया, आपण काय म्हणणं आहे त्यांचं, काय म्हणणं आहे बेटा तू ताना पोळ्या? ताना पोळा हरवर्षीसारखा यावर्षी कोरोना असल्यामुळे आनंदीत साजरा नाही केला गेला। हर वर्षी आम्ही पोळा भरतो त्या जागी पूर्ण मुले एकट्ठा होतो, आम्हाला गिफ्ट मिळतात, आम्हाला खेळणे मिळतात। हर वर्षी आम्ही खूप आनंदाने हा पोळा साजरा करतो। यावेळेसच्या पोळ्यात ना प्रत्येक वर्षीच्या पोळ्यात काय फरक जाणवतं? तुम्ही घरीच पूजा केली, पोळ्यामध्ये नाही गेली, तर तुम्हाला कसं वाटलं? आम्ही घरीच पूजा केली, आम्हाला आनंद आला, पण हर वर्षी सारखा नाही आला आणि कोरोना हा पटकन संपावा असं वाटतं। इन बीसीएन के लिए रवी येनोरकर की रिपोर्ट।